हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बनाने वाले फिर से एक बार पोको X3। इसमें दरअसल प्रॉब्लम ये है, ये फ़ोन ऑन नहीं हो पा रहा है। तो देख लीजिए, हमने इसकी बैटरी टेस्ट की, बैटरी भी ओके है। उसके बाद हमने पूरी सीपीयू की लाइन चेक करी, तो सीपीयू की लाइन जो है वोल्टेज नहीं बता रही है। तो मैं आपको डिस्प्ले में बता दूंगा सीपीयू की लाइन कैसे किस तरीके की रहती है। तो हमने फटाफट फ़ोन ओपन कर लिया और अब शील्ड निकाल रहे हैं। तो अगर आपको कोई फ़ोन रिपेयर के लिए डालना है तो आप नीचे दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट ज़रूर कर सकते हैं। तो अगर आपको कोई भी फ़ोन रिपेयर कराना है, मॉडल कोई भी रहे, ऐसा कुछ नहीं है। अगर अभी तक के आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए। तो ये हमने UFS चिप को टेप लगा दिया है और ये ऑडियो IC को भी टेप लगा दिया है हमने। और अब रोम IC को हम पहले उतार लेंगे। देख लीजिए, रोम IC हमारी उतर चुकी है। तो अभी हम क्या करते हैं, हम इसका ग्लू क्लीन कर देते हैं। ग्लू क्लीन पहले ही कर देते, उससे होगा ये, पहले ही ग्लू क्लीन करने से होगा ये कि हमारे को आसानी जाएंगी IC रिपेयर करने। ठीक है, तो ये हमने पहले इसलिए ग्लू क्लीन किया है कि बाद में हमको दोबारा साफ ना करना पड़े। तो अब हमको एक ही साइड साफ करना पड़ेगा। अभी IC को नीचे से पकड़ भी है, यानी IC लेंगे भी नहीं। तो सबसे पहले हम कटिंग कर लेंगे CPU के आजू बाजू से। तो देख लीजिए, कटिंग हो चुकी है। अब हमारी हम थोड़ा पेस्ट लगा के हीट मारेंगे। तो अभी हम इसे धीरे धीरे ब्लेड अंदर डालेंगे। देख लीजिए, हमारा प्रोसेसर जो है वो निकल चुका है। अब बारी आ जाती है नीट एंड क्लीन करने की। एक बार और हम डिसोल्डिंग वायर की मदद से इसे क्लीन कर लेंगे। देख लीजिए, हमारा ये क्लीन हो चुका है मदरबोर्ड। थोड़ा सा और जहां पे भी ग्लू रहेगा, हम टूल की मदद से पूरा ग्लू साफ कर लेंगे। ठीक है, एक बार और कर ही देते हैं डिसोल्डर वायर की मदद से साफ। तो उससे होगा ये बचा कुचा जो शोल्डर था, ऊपर नीचे जो भी दिख रहा था मुझे थोड़ा बहुत, तो मैंने उसे क्लीन कर लिया। तो अब ये लास्ट फाइनल राउंड है। अब इसके बाद हम इसे साफ नहीं करेंगे, हमारा क्लीन हो चुका है। तो अब आ जाती है बारी प्रोसेसर की। सबसे पहले हम रोम को रिवॉल्व कर लेंगे ऊपर से, यानी पूरे बॉल क्लीन कर लेंगे। इसके बाद हम प्रोसेसर क्लीन करेंगे। तो सबसे पहले हमने रोम को पूरा क्लीन कर लेना है सब तरफ से। तो देख लीजिए, रोम क्लीन हो चुकी है। साइड के पूरे कॉर्नर के पूरे ग्लू काट देते हैं हम। इससे होगा ये कि जब हम IC लगाएंगे तो इक्वल दिखेंगे, बढ़िया एक नंबर, नहीं तो कहीं से आड़ी तड़ी दिखेंगे, ऐसा भी हो सकता है। तो हम साफ इसलिए कर लेते हैं। अब ये प्रोसेसर का हमें ग्लू रिमूव करना है, तो ये टूल की मदद से हम हीट मार के ग्लू रिमूव कर रहे हैं। ये जो कंपोनेंट है वो निकलने नहीं देना है हमें, आराम से करना है। तो देख लीजिए, बस होने ही वाला है हमारा। ये देख लीजिए, पूरा ग्लू क्लीन हो चुका है। अब आ जाती है बारी इसे साफ करने की, शोल्डर वायर डिसोल्डिंग वायर की मदद से। तो हमें ये कंपोनेंट को कहीं टच नहीं होने देना। इससे होगा ये, कहीं अगर टच हो गया तो ये कंपोनेंट बाहर आ जाएंगे, तो फिर से हमें इसे लगाने पड़ेंगे। ये कंपोनेंट लगे नहीं रहेगा इस, तो फ़ोन हैंग होगा या तो फिर कैमरे वर्क नहीं करेंगे, जो भी XYZ प्रॉब्लम आती है। तो ये कंपोनेंट लगे रहना बहुत ज़रूरी है, जो कैपेसिटर 4 है। कई लोग बोलते होंगे हम निकाल देते फिर भी हमारा फ़ोन ओके रहता है, तो आज नहीं तो कल आएंगे आपके इसमें प्रॉब्लम, जो भाई हमारे रिपेयर करते हैं। तो ये कंपोनेंट को खास ख्याल रखना है, कंपोनेंट लगे रहने देना। अगर कंपोनेंट लगाना ही नहीं रहता तो कंपनी वाले देते कि प्रोसेसर के नीचे वो कैपेसिटर फिल्टर करते हैं दरअसल करंट को, CPU के वोल्टेज को, तो उससे हमारे बाकी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होते। तो कृपया करके आप ये कैपेसिटर निकाले ना या तोड़े ना, साफ करने में एकदम केयरफुली काम कीजिए। ठीक है, अब आ जाती है बारी हमारा CPU रिवॉल्व करने की। तो हम फटाफट इसका CPU रिवॉल्व कर लेते हैं। ये होल से होल मिला लेना है
और पीपीडी इंसर्ट करनी है। अब हिट मार लेना है हमें, एक बार कटिंग करेंगे हम और इसके बाद और पेस्ट लगाएंगे। एक बार और कटिंग करके एक बार और पीपीडी भरेंगे और इसके बाद हमारा फाइनल रिजल्ट ओके हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हम फटाफट इसे पेस्ट लगा के थोड़ा हिट मार देते, कहीं शॉर्ट है वो शॉर्टिंग निकाल दी है हमने। पेस्ट लगा के हिट मारने से गाइस होगा ये कि जो बॉल प्रॉपर नहीं होंगे प्रॉपर अपनी जगह पर आ जाएंगे। तो अभी आईसी का नॉइस हमारा अपसाइड था लेफ्ट साइड में, तो हमने आईसी का नॉइस राइट साइड में अपसाइड था सॉरी, तो हमने वहीं रखना है आईसी को नॉइस और हिट मार देना है। तो देख लीजिए बस सीपीयू हमारा जो है बैठने ही वाला है। देख लीजिए हल्का हल्का पेस्ट बाहर आ चुका है, तो ये प्रोसेसर हमारा बैठ चुका है। फिर भी हम थोड़ा शेक करके देख ले रहे हैं, ये देख लीजिए बराबर बैठ चुका है प्रोसेसर। तो अभी हम टेप इसलिए निकाल रहे हैं गाइस, हमको चेक करना है कंप्यूटर से सीपीयू का पोर्ट बन रहा है कि नहीं। तो ये हमारा चेक हो चुका है, तो ये हमारा सीपीयू का पोर्ट बना रहा है, तो हमने ये दिखा देंगे आपको इमेज में। तो ये देख लीजिए अब आ जाती है बारी रोम रिबॉल करने की। तो सबसे पहले रोम को हमको रिबॉल कर लेना है, एक मिनट में मैं जगह भी सेंटर में ले लेता हूँ। हाँ अब ठीक है, तो ये रोम आई से हमने रिबॉल कर लिए, अभी इसको भी एक दो बार करेंगे हम। तो उससे होता ही है दो तीन बार करने से कि बॉयल जो है एकदम प्रॉपर बनते हैं। तो बस होने ही वाला है अभी हमारा, ये लास्ट राउंड है, ये हो चुका है हमारा। तो अभी हम इसे फटाफट इसको क्लीन कर लेते हैं, जहाँ जहाँ शॉर्टिंग वाले एरिया है उसको निकाल देते हैं शोल्डर को। ये देख लीजिए जैसा बीच में देख लीजिए इस तरीके से हम इसको निकाल देते हैं। तो अभी पेस्ट लगा के इसको भी सेम वैसे ही करना है प्रोसेसर जैसा, इसे भी हिट मार देना है। और आईसी का नॉइज सीपीयू का जहाँ है अपसाइड में वहीं इसका भी रखने का है राइट हैंड अपसाइड में। तो चलिए बस हो चुका है हमारा, अब हिट मारते हैं और फ़ोन को टेस्ट करते हैं। तो बस ये रोम आईसी हमारी बैटरी है। अगर जब तक कि आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको कोई फ़ोन रिपेयर के लिए भेजना है तो नीचे दिए हुए नंबर पर कॉन्टेक्ट ज़रूर कीजिए। तो ये प्रोसेसर लग चुका है अब हमारा, हम थोड़ा ठंडा होने का वेट कर रहे हैं कि थोड़ा ठंडा हो जाए। चलो ये ठंडा हो चुका है हमारा, तो अभी हम फटाफट मदरबोर्ड को लगाते हैं और मदरबोर्ड में चेक करते हैं कि हमारा फ़ोन ऑन हो रहा है कि नहीं। तो देख लीजिए फाइनली गाइस हमारा फ़ोन ऑन हो चुका है। अगर आपको इसी तरीके से वीडियो देखना है तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर दबाइए। चलिए अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ओके बाय बाय।